हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब होली का टाइम है और बच्चों का ख्याल ना रखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं खास करके बच्चों के लिए डिजाइनर नमक पारे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो होली के टाइम पे हो या फिर हम वैसे भी बना करके तैयार कर सकते हैं, बच्चों को ही और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए वो फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैदा ले लिया है, एक कटोरी मैदा ले लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब में अजवाइन ले ली है। अब अजवाइन को हम इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो मैंने अजवाइन डाल दी है, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। हमारे जो नमक पारे है ना, एकदम बढ़िया से फूले फूले से बनेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब एक चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और 2 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर मोइन डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो मोइन थोड़ा सा बढ़िया सा हम इसमें डालेंगे ताकि हमारे शक्कर पारे हैं ना वो बिल्कुल खस्ता बने। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे मोइन को। अब और चेक करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम मुट्ठी बांध देंगे ना तो हमारी मुट्ठी इस तरह से बन जाना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट है इसमें वो मोइन गया है। तो अब इसका हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक सख्त सा डो बना करके तैयार करेंगे। तो फिर है ना, इस तरह के नमक पारे जो हम बनाते हैं ना, बच्चों बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो बच्चों के साथ साथ में बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो जैसे हम बाहर त्यौहार तो बनाते हैं, पर आप वैसे भी बच्चों के लिए बना करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, आप इन्हें 1 महीने तक बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। और तो बनाने का तरीका बहुत आसान है, वैसे भी आप इसमें झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं। सामग्री भी बहुत कम लगती है इसको बनाने में और तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिएगा, आटा हमारा ये हो गया है, आप इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मसाला बनाने के लिए आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है और थोड़ी सी मैंने आधा चम्मच के करीब में काली मिर्ची का पाउडर ले लिया है। अब इनको थोड़ा सा हम चटपटा बनाएंगे ना, इसलिए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वो तो चलिएगा, इस मसाले को हम साइड में रखते हैं। आटा हमारा मतलब मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, देखिएगा। अब इस मैदे को हम क्या करेंगे, चकले पर लेंगे और इनको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हम। वो थोड़ा सा हम इन्हें हाथों की सहायता से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ऐसा, क्योंकि हम इसकी 4 बॉल बनाएंगे बराबर बराबर साइज की। तो यहाँ पर हम चाकू से इसके 4 बराबर साइज के पीसेस कर लेंगे। जब हम रोटियाँ बेलेंगे ना इसकी, तो बराबर साइज की बनना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है। बराबर ही हमें इसकी लोई को काटना है, देखिएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर, जैसे कि हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उस तरह से हमें लोई बना करके तैयार करना है। तो बस एक एक लोई को हम इस तरह से हाथ में घुमाएंगे गोल गोल और तैयार करेंगे। तो देखिएगा, ये 4 ही लोई मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब 3 लोई को हम साइड में रख देते हैं और 1 लोई को हम लेंगे। अब यहाँ पर हमने मोइन अच्छा डाला है, आपको उसमें आटा मैदा सूखा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बढ़िया तरह से बेला जाएगी। तो जैसे कि हम रोटी चपाती बेलते हैं ना, बस उस तरह से हमें पतली से इसको बेल करके तैयार रखना है। मतलब ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर से ही कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा पतला ही रखना है। तो इस तरीके से देखिएगा, मैंने 1 रोटी ये बेल ली है। अब इस रोटी को उठा करके साइड में रख देंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं अभी। और इसी तरह से हमने ना दूसरी रोटी को भी बेल लेना है। तो 1 लोया लेंगे हम फिर से, और फिर से इस रोटी को, जैसे मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि रोटी किस तरह से हमें बेलना है। बिल्कुल इस तरह से देखिएगा, हम चपाती को बेलते हैं ना, ऐसे हमें बेलना है उसको एकदम से पतला पतला सा। वो जितनी भी हमने 4 लोई से की तोड़ी है ना, तो 4 ही लोई की हम रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा, मैंने ये सारी रोटी को बेल लिया है।
तक चार लोई ली थी ना हमने, तो हमने चारों को बेल लिया है। अब हम यहाँ पर एक रोटी को इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम एक रोटी को रखेंगे, इसको हम सेट करेंगे हल्का सा, फिर ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। हल्का हल्का सा ही ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से हम तेल लगा करके चिकना कर लेंगे और ये तीसरी वाली रोटी रखेंगे, तो थोड़ा सा सेट करेंगे इसके ऊपर, फिर से हम ऑयल लगाएंगे। तो हल्का हल्का सा बस ब्रश से हम ऑयल लगा लेंगे, और ये चौथी वाली रोटी जो हमने बना करके रखी है ना, वो भी हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। देखिएगा रोटी इस तरह से हमारी मोटी हो गई है, इसलिए हमें पतली पतली ही रोटी बेल करके तैयार करना है। इसको थोड़ा सा हाथ से हम प्रेस कर देते हैं ताकि जब हम इसके नमक पारे बनाएं तो इसकी लेयर अच्छी बने। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और अब इसकी हम पतली सी बड़ी रोटी बना करके तैयार करेंगे। तो देखिएगा बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कभी भी इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने बड़ी सी रोटी इसकी बना करके तैयार कर ली है। देखिएगा और रोटी हमारी काफ़ी पतली बनी है। अब बीच से हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे चाकू से। देखिएगा पहले इस तरह से कट लगाएंगे और फिर बराबर हम इसके बीच से एक और कट लगाएंगे। देखिएगा इस तरह से हमें इसका कट लगाना है और बाकी के कट्स भी हम लगा लेंगे यहाँ पर। इसकी पतली पतली सी हम यहाँ पर पट्टियाँ बना करके तैयार करेंगे। देखिएगा इस तरह से क्रॉस क्रॉस कर कर इसकी पतली पतली सी लेयर्स मतलब पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये डिजाइनर जो है नमक पारे बन करके बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। तो देखिएगा मैंने सारी इसकी रोटी की पट्टियाँ कट कर ली है। अब एक पट्टी को हम इस तरीके से आराम से उठाएंगे और देखिएगा अब हम इस रोटी का यहाँ पर नमक पारा बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, दोनों उंगलियों से हम थोड़ा सा टाइटली इसको हम प्रेस करेंगे, वो लास्ट में जो कोना बचेगा ना उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये खुले नहीं, और इन्हें हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। देखिएगा तो ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से, ये इसका मुंह बंद हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे उंगली से, तो कितना अच्छा मतलब इसका लुक आया है। देखिएगा बहुत ही अच्छा एकदम डिजाइनर हमारा ये नमक पारा बन करके तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर नमकीन बनाए हैं, आप चाहो तो इन्हें मीठे भी बना सकते हैं और इन्हें आप फ्राई करके चाशनी में डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर बिना मसाले के आप सिर्फ मोइन डाल करके बना करके रख सकते हैं और इन्हें चाशनी में डाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी मीठी मछली भी बन करके तैयार हो जाएगी डिजाइनर। तो देखिएगा इस तरह से हमें दूसरी पट्टी भी निकालना है। एक और मैं आपको बना करके बता देती हूँ, यहाँ पर बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी है। तो बस इसकी पट्टी हम निकाल लेंगे और बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से दोनों उंगलियों की सहायता से इसको टाइट, देखिएगा टाइट हम इसको प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाएंगे, वो लास्ट में जो कोना बचेगा ना इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। ये देखिएगा इस तरह से हम हल्का सा पानी लगा करके इसको बंद कर देंगे और ये देखिएगा बढ़िया सा हमारा ये डिजाइनर नमक पारा बन करके तैयार हो गया है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब इस तरह से हम उन्हें डिजाइनर वाली कोई भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो बच्चे खेल खेल में ही खा लेते हैं। देखिएगा एकदम कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिएगा आप मैंने थोड़े ही बनाए हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और इन्हें स्टोर करके एक महीने तक रख सकते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा एक पीस मैंने टुकड़ा डाला था, तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है तो मीडियम गर्म तेल में ही हम इन्हें डालेंगे। बहुत ज़्यादा हाई गर्म तेल में नहीं डालेंगे, नहीं तो ऊपर से ये क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम
उलट पुलट करके सुनहरा होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमें इन्हें पलट पलट करके फेस पे करेंगे। तो आपको इसमें मतलब ये जो हमारे ये नमक पा रहे हैं ना, आप किसी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम बाहर से एकदम कुरकुरे खस्ता बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारे यहाँ देखिएगा ये बन करके तैयार हो गए हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है, अंदर तक ये पक गए हैं। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये झारे में लेंगे और इसका एक्स्ट्रा का तेल हम इसे निकाल लेंगे। और देखिएगा प्लेट में मैंने एक कागज़ लगा लिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा का ऑयल हो वो निकल जाए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और देखिएगा ये गर्मा गर्म हमारे ये नमक पारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अभी जो हमने मसाले बना करके तैयार किया है ना, बस इसको चटपटा बनाने के लिए वो मसाले हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो वैसे तो ये बिना मसाले के भी हम खा सकते हैं, पर मसाले डाल करके खाएंगे तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप दोनों तरह के से इन्हें खा सकते हैं। तो फिर देखिएगा कितना अच्छे हमारे ये फटाफट से ये नए वाले नमक पारे बन करके तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे कोई भी वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।